नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोहे से बनाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाएगा। आप सुबह के नाश्ते में इसे बना सकते हैं और चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और काफी लंबे समय तक ये एकदम से सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी ना टूटेगा ना ही बिखरेगा। इसका तरीका जो है बनाने का आप अच्छे से देख ले, समझ ले, यकीन मानिए दोस्तों, एक बार आपने देख लिया ना अच्छे से वीडियो, तो इस नाश्ते को हर हमेशा बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बस 2 से 3 चीजों में ही बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी पोहा ले ली हूँ। और पोहा देखिए बहुत ज्यादा बारीक वाला नहीं लेना है, जो कि हम लोग बिना पकाए हुए पापड़ बनाते हैं तो उसके लिए जो पोहा लेते हैं एकदम बारीक वाला, वो पोहा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके का आपको पोहा लेना है। यदि आप पोहा को सही पोहा लेंगे ना, तो आपका भी नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होगा, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार 1 कटोरी 2 कटोरी जितना का भी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पोहा को ले सकते हैं। अब पोहे को डालेंगे सबसे पहले एक बड़े बर्तन में। पहले इसको साफ सुथरा कर लीजिएगा, इसमें कुछ कण वगैरह ना हो। तो पोहे को अच्छे से पहले साफ कर ली हूँ, अब इसे एक दूसरे बर्तन में डाल लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब क्या करेंगे कि पोहा में पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप कि पोहा में जैसे ही पानी डाला जाता है, देखिए इसका कलर कितना ही ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इस वाले पानी को हमें एक बार पोहा में पानी डालने के बाद ये जो पानी है इसको निकाल देंगे। बस छोटा सा वीडियो है दोस्तों, पूरा ही वीडियो देख जाइएगा और मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाऊंगी ना कि जब भी आप बनाएंगे तो आपका भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोबारा मैं इसमें पानी डाली हूँ। अब फिर से इसमें एक बार पानी डालेंगे। क्यों डालेंगे उसका भी कारण आपको बताती हूँ। इस बार पोहा में थोड़ा अच्छे से डुबा के पानी डालेंगे। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, पोहा को छानेंगे छन्नी पर। तो यहाँ पर हमें ये वाला छन्नी ले लेना है और इसमें सारे ही पोहे को इस तरीके से डाल देना है। इससे क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और पोहा हमारा अच्छे से भीग के फूल भी जाएगा। तो इसलिए इसको छन्नी पे डाल के और थोड़ा देर के लिए रख देंगे। पोहे को रखे हुए 5 मिनट के करीब हो चुका है। अब इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकल गया है, तो अभी इसको रख लेंगे एक बड़े से बर्तन में। देखिए धीरे धीरे करके ये पोहा जो है अच्छे से भीग के सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि नाश्ता को अच्छा फ्लफी और जालीदार बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे जैसे पोहा फूलेगा ना, इसका लगेगा कि कितना ज्यादा पोहा हो गया है, लेकिन पोहा उतना ही है 1 कप के करीब। अब इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम दही, पोहे के अंदर डाल देंगे। दही गाढ़ा पतला जैसा भी आपके पास है इसमें डाल सकते हैं, कोई सा भी दही चला जाएगा। आप दही के जगह पे छाछ भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये नाश्ता बनेगा। गर्मी की वजह से छाछ भी आपके पेट में बहुत ज्यादा ठंडक देगी दोस्तों, तो आप लोग क्या करें इसमें छाछ या दही कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दही के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो ये हो गया दही चूड़ा। लेकिन दही चूड़ा नहीं बना रहे हैं, आप लोग घबराएं बिल्कुल भी ना। अब इसमें डालेंगे जितना तक दही था, यानी कि 1 कटोरी भर के पोहा था, तो थोड़ा सा कम इसमें सूजी डाल रही हूँ। सूजी बारीक वाला है, आप बारीक वाला मोटा वाला जो भी सूजी आपके पास है आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने के बाद इसको एक बार धीरे से मिक्स करेंगे। देखिए जो पोहे में एक्स्ट्रा पानी है या दही में है, तो उसी से सूजी जो है बहुत अच्छे से फूलेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी अलग से ऐड करेंगे। जितना तक आप सूजी लिए हैं उतना ही इसमें पानी भी डालिएगा, बिल्कुल एक तरह का नाप होगा, तो फिर ये नाश्ता बनाने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अच्छे से इसको फेंट लेंगे।
दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है। और जो कोई नए नए जुड़ रहे हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। अभी इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। ढक्कन लगाने के बाद इसको 10 मिनट तक छोड़ेंगे रेस्ट पे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए अगली तैयारी कर ली जाए। पैन को चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची और इसमें जाएगा 2 टुकड़ा अदरक का, साथ में करी पत्ता। अब इसमें डालेंगे 1 टमाटर। इसका नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जल्दी से गल जाएगा। प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब 2-3 मिनट हो चुका है इसे ढके हुए, तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी चूल्हा को बंद करेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे मसाले को। अब अच्छे से ठंडा हो चुका है ये, इसे डाल देंगे मिक्सर जार में। नमक इसमें पहले ही डाला गया है, नमक कम लगे तो आप बाद में इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा टेस्ट करके। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ चना, रोस्टेड चना बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास ये नहीं है ना तो जब आप इसको भून रहे हैं तो उस समय में इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली दाना डाल दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ये बन जाएगा। तो इसमें चना डाल देते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसके साथ डालेंगे, यदि आपके पास नारियल है तो आप नारियल डाल लें, और नहीं है तो आप इसमें कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं। इससे थोड़ा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं। आप सारी चीजों को अच्छे से एक बार पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पिस चुका है और बिना कोई झंझट बिना परेशानी बनके तैयार है। बहुत ही ज्यादा चटपटा सा चटनी जिसको आप नाश्ते के साथ खा सकते हैं बहुत ही आराम से। आप चाहे दोस्तों तो इसमें अलग से तड़का लगा सकते हैं, और चाहे तो जो आप मसाला भुने हैं ना उसमें से भी थोड़ा सा बचा के रख लीजिए कड़ी पत्ता, तो इसमें ऊपर से डाल दीजिए। क्योंकि फिर से वापस से इसमें तड़का लगाएंगे ना तो ये इसमें ज्यादा तेल चला जाएगा। आज का जो रेसिपी है उसको बहुत ही कम तेल से बना के और तैयार करने वाले हैं। समझिए कि बिना तेल कहीं बना के तैयार करेंगे। तो ये हमारा चटनी बन चुका है नाश्ते के साथ खाने वाला, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप स्टोर करके फ्रिज में 3 से 4 दिनों तक खा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार पोहे को चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा से ये पोहा जो है फूल चुका है और इसमें बिल्कुल भी आपको पानी नजर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर लेना है हमें बड़ा वाला जार और इसमें सारे पोहे और सूजी के मिक्स को डालेंगे। सारा को ही डाल लेना है एक बार और इसी बर्तन में हमें डाल देना है फिर से वापस से 1 कप के जितना पानी और इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर इसमें ढक्कन लगा के इसका अच्छा सा एक बैटर बनाना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। 1 से 2 राउंड चलाएंगे, इसमें ही ये अच्छे से पिस जाता है क्योंकि बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। देखिए बहुत अच्छे से ये पिस चुका है, आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा चिकना हो गया, इसमें कोई भी पोहा का और सूजी का दाना आपको नजर नहीं आ रहा है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं और इसी तरीके का इसको रखना, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। जैसे जैसे जितना जितना सामग्री इसमें डाली हो बिल्कुल वैसे ही आपको भी डालना है। थोड़ा सा जार में पानी डाल के और इसमें ही वापस से डाल देते हैं धो के, क्योंकि जार में बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक अभी तक इसमें नहीं डाला गया है, तो आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
तो ये घोल जो है हमारा नाश्ते के लिए बहुत अच्छा से तैयार हो चुका है, पोहे का घोल। चलिए दोस्तों अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगी, बिल्कुल अलग तरीके से आपको नाश्ता बना के दिखाऊंगी। यदि आप इसमें मीठा सोडा ऐड करना चाहते हैं तो आप पूरा में ही एक बार मीठा सोडा डाल सकते हैं, और यदि आपको इनो डाल के बनाना है तो सारे घोल में एक बार इनो नहीं डालना। यदि सारे घोल में एक बार इनो डाल देंगे तो एक तो सही बनेगा और बाद में इनो अपना काम करना बंद कर देगा, तो दूसरा तीसरा आप नाश्ता बनाएंगे तो उसमें जाली नहीं पड़ेगा। तो अभी एक बर्तन ले लेंगे दूसरा, और जितना आपको बैटर एक बार में डालना है नाश्ते में उतना बैटर को निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे इनो, इनो फ्रूट सॉल्ट। बस थोड़ा सा डालेंगे जितना कि एक में लग जाए, और इसके ऊपर हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए एक बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप एक एक करके इनो मिलाइएगा, और इतनी मीठा सोडा मिला रहे हैं तो सारे में मिला लीजिएगा। पैन में हल्का सा तेल लगाएंगे और इसमें डालेंगे अब इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको पकने देंगे। गैस की आंच को मीडियम रखना है। देखिए कितना अच्छा इस पे जाली पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एकदम से जालीदार बना है, और कुछ ही मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है एक बार का नाश्ता। देखिए दोस्तों, और बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है। इसको निकाल लेंगे और फिर दूसरे बार का इसमें डालेंगे। तो डालने से पहले फिर हमें वही काम करना है इनो वाला, तो आप इसमें इनो डालें और अच्छे से इसको फेटें। फेटने के बाद इसमें हमें डाल देना है इस घोल को, और थोड़ा सा हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, और इस पे लगा देंगे ढक्कन और सेम प्रोसेस से इसको भी पकाएंगे। इसी तरीके से बारी बारी करके आपको सारे ही बना लेने हैं, और यदि आप इनो नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप मीठा सोडा मिला सकते हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा जाली पड़ रहा है, ढक के और आंच को कम ही रखिएगा और आराम से पकने दीजिए। तो देखिए दूसरे बार वाला भी जो है पक चुका है। आप इसमें चाहे तो थोड़ा एक आध ड्रॉप तेल डाल सकते हैं, और बिना तेल का भी बना सकते हैं। तो ये जो नाश्ता है बिना तेल का ही आपको बना के दिखा रही हूँ। सिर्फ आपको पैन में थोड़ा सा पहले बार में लगा के चिकना कर लेना है, उसके बाद आप चाहे तो फिर दूसरे बार में भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये बिना तेल का ही बहुत आराम से बनेगा और ये पैन को छोड़ देगा। देखिए दोस्तों कितना ही इसमें जाली दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं। तो चलिए सारे बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बनके तैयार है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एकदम से स्पॉन्जी नाश्ता, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा जाली पड़ा है, देख पा रहे हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट बनता है, और पोहे से बना हुआ है तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और यह है चटनी। तो आप भी इस नाश्ता को बना के जरूर खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसका स्वाद अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।